रामपुर में एक महिला सहित 8 ठगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक राशन डीलर के साथ ठगी करने की कोशिश की, लेकिन राशन डीलर की समझदारी की वजह से सारे ठग पकड़े गए। आपको बता दें, खबर के मुताबिक ठग महंगी गाड़ियों से आए थे और नकली आईडी दिखाते हुए खुद को पुलिस वाला बता रहे थे, लेकिन जैसे ही डीलर को शक हुआ उसने फौरन पुलिस को फोन कर दिया, जिससे ठग रंगे हाथों पकड़ लिए गए। वहीं पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने 2 महंगी घड़ियां समेत कई फर्जी रिवॉल्वर और नकली आईडी बरामद की है। अरो गांव पड़ता है देवी थाना क्षेत्र में, यहाँ पर कुछ लोग बरेली से आए थे, तो गांव वालों की सूचना के आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची है और पता चला है कि कोई एनजीओ चलाता है, बरेली के लोग हैं, कुल टोटल 8 लोग इसमें सम्मिलित हैं और इसमें 3 गाड़ियों से आए थे वहाँ पर। तो वहाँ पुलिस पहुँचने के बाद उन्होंने DM सर को सूचना दिया था और पुलिस और अधिकारी वहाँ पहुँची और इनसे जांच की जा रही है, बातचीत की पता लगाया जा रहा है, गर्भ पता लगाया जा रहा है। उसमें एक कथित नेता का भी नाम आ रहा है सामने कि वो सही है गलत है, और जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है उसको जांच करने के लिए पहुँची है लोग और